कुछ न्यूज़ ऐसी आई जिसकी वजह से एकदम से फटाक से मार्केट गिरी और धड़ाम से नीचे आई। आखिर इस टाइम ऐसा क्या हुआ, ये हुआ कब? ये लगभग हुआ, ये लगा लो कि 9:15 बजे शुरू हुई हुआ और उसके बाद तकरीबन ये 12 बजे के आसपास काम शुरू हुआ, 11:30-11 बजे के आसपास। और एकदम से ऐसा क्यों हुआ मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस है 22,250, मैंने लिखा भी था, और 22,300 के आसपास रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली उसी एरियाज के आसपास में गिरावट आई और नीचे 21,912 जो येलो लाइन लगाई थी मैंने, बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे आके क्लोज हुई। तो जिन्होंने तो बेचा इस रेजिस्टेंस को फॉलो किया तो ठीक, जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो गलत। तो इधर यहाँ पे जरूर सपोर्ट थी पर मार्केट इतनी ज़ोर से गिरी है कि सपोर्ट की बिल्कुल परवाह नहीं की। 22,085 की जो सपोर्ट थी बिल्कुल परवाह नहीं, उससे ही पता चल गया था कि कोई न्यूज़ है जिसने एकदम से ट्रिगर किया है और एकदम से मार्केट को गिरा दिया। न्यूज़ क्या है आगे चलकर हम डिटेल में बताएंगे, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जो क्लिक कीजिए क्योंकि वहाँ पर हम ढेर सारी नॉलेज देते हैं। आज भी हमने वहाँ टेलीग्राम पे बता दिया था कि 46,150 के नीचे पेन क्रिएट हो जाएगा, तो वही हुआ। जैसे ही 46,150 टूटा और एग्जैक्टली जो बताया था 45,920 का लेवल, बिल्कुल एग्जैक्टली 46,920 तक ही एक गिरावट आई, उसके बाद दोबारा फिर से क्रिएट हुआ, फिर से गिरावट आई। तो मीन आपने दोनों टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो टेलीग्राम चैनल जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उसके अलावा फिन निफ्टी तो मैंने कहा था बिल्कुल इग्नोर रखो, फिन निफ्टी क्लियर नहीं है, कोई चार्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं था फिन निफ्टी का, तो इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था कि उसके दूर रहो। बाकी आज फिर ऊपर के लेवल 11,100 के आसपास गिरावट आई, परंतु यहाँ पे सपोर्ट थी 10,760, जिसने यहाँ से सपोर्ट ली, सपोर्ट को कैश किया होगा तो उसको ये टारगेट मिला 10,850 एग्जैक्टली, वहाँ हिट करके फिर वो नीचे आई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अब मार्केट पर कि मार्केट में ऐसी क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले जहाँ तक गिफ्ट निफ्टी का सवाल है तो ये भी वैसे ही गिरा जैसे हमारी मार्केट गिरी, और अब नीचे की ओर जो इसका टारगेट निकल के आता है वो आता है 21,711। मतलब अगर ये रातों रात इस टारगेट को छूने चला गया तो बड़ा गैप डाउन की हो सकता है, पर क्योंकि US GDP डाटा आना है उसी से फैसला होगा कि कल मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन। तो अभी बिल्कुल कुछ नहीं बताया जा सकता, बल्कि ये जरूर है कि 21,711 की ओर अगर टच कर दिया तो एक गैप डाउन आपको मिल सकता है। उसके अलावा जो डाओ है, डाओ भी नीचे आ गया है और डाओ ने भी एक इम्पोर्टेंट लेवल 38,855 तोड़ दिया है, पर ये जरूर है ये 10 EMA से सपोर्ट ले रहा है, कारण वही US GDP डाटा। तो आइए अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर चक्कर क्या है, क्यों मार्केट में गिरावट आई। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आते हैं, देखिए मार्केट में गिरावट आने का कारण ये है कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक बात घूमी हुई थी कि क्वार्टर टू क्वार्टर जो US GDP आना है वो 2.9 versus 3.3 था, ये इससे मार्केट काफ़ी खुश थी कि गिर के आएगा। पर अब जो एस्टीमेट कुछ और फंड हाउसेस ने एक नया एस्टीमेट निकाल दिया, और मैंने आपको कल बताया भी था कि हो सकता है कोई और नया एस्टीमेट आ जाए, कुछ नहीं पता, और वही बात हुई, कुछ और नए एस्टिमेट है। नए एस्टिमेट में ये कहा जा रहा है कि जो US GDP है वही की वही रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी। अगर जैसी है वैसी रहेगी तो फेड खुश रहेगा, फेड को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है GDP की, तो वो इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगा। यही कारण है कि पूरी वर्ल्ड मार्केट है, आप देख रहे होंगे पूरी वर्ल्ड मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट हो गया है। हैंग सेंग 332 डाउन है, निकाई 300 डाउन है, और US वेट कर रहा है क्योंकि तकरीबन 7 बजे शाम को ये डाटा आना है। तो अब ये चीज़ देखने वाली होगी
कि उसका प्राइस इंडेक्स कितना आता है, पीसी डाटा कितना आता है, सेल डाटा कितना आता है। कल मैंने सारे डाटे बताए थे, पर वो सारे डाटों में ये डाटा बड़ा चेंज हुआ है। तो ये डाटा चेंज होने की वजह से मार्केट पर प्रेशर आया, और ये उसी टाइम ही आया। हालांकि जब मार्केट गिरती है तो हमें तो लेट पता चलता है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आती बहुत लेट है, और जो काम की न्यूज़ होती है वो काफ़ी लेट आती है जब मार्केट को गिराती है। तो बाद में फिर स्टडी करने पता चलता है कि काफ़ी वहाँ जो US मार्केट के अंदर जो आवाज़ घूमी हुई है इस टाइम, वो कह रहे हैं कि GDP सेम ही आएगा, 3.3 वैसा ही जैसा पहले था। तो अगर वैसे ही आ गया तो मार्केट फंस सकती है। तो यही कारण था कि मार्केट में एक भारी गिरावट आप सबको देखने को मिली। अब आते हैं हम और अब आते हैं हम ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन क्या कहते हैं? देखिए, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, सबसे पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है कि 45,500 और 45,000 पर ही बड़ी पुट राइटिंग है, तो 46,000 पे कन्फ्यूजन है, और 46,500 पर एक बड़ा कॉल राइटर। कल एक्सपायरी भी है, और कल काफ़ी इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, कोई छोटी मोटी एक्सपायरी नहीं है। तो अब सिनेरियो भी सारा बदल चुका है, अब GDP भी सारा कुछ डिपेंड है कि क्या आता है क्या नहीं। ध्यान रहे, कल इंडिया का भी GDP आना है शाम को, तो हो सकता है फिर वोलेटिलिटी रहे। अब प्राइस एक्शन क्या कहता है? ऐसे में हमेशा प्राइस एक्शन ही बचाता है। एक तो यहाँ पे ये लीजिए, अब तो 46,300, फिर से वही हाल दोबारा, 46,180 से 46,300, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया फिर से वही काम करेगा, फिर वही पुराने दौर में घुस गए हम, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये सेल ऑन राइज वाला मामला बना रहेगा। ठीक है, नीचे की ओर जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे 45,963, 45,894 और 45,830। यहाँ पे स्पोर्ट मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 20 VMA भी है और 100 MA भी है, दो इंपॉर्टेंट VMA और MA है। तो इस वजह से यहाँ से हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले, चांसेस तो हैं। पर अगर ये लेवल भी टूट गया 45,800, तो एक जबरदस्त पेन पैनिक क्रिएट होगा, और फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल हो गए 45,630, 45,378, 45,300, 45,250 और नीचे वही 200 MA जहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट लेती है, वो है 44,880 का लेवल, जहाँ एक बार नहीं 5-6 बार मार्केट सपोर्ट ले चुकी है। तो फिर नीचे सपोर्ट होगी 44,700 से लेकर 44,900 पे ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसी सपोर्ट को आप कैश कर सकते। रास्ते में एक सपोर्ट और भी है, पर उसे मैं कहूंगा कि इग्नोर करना, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी तरह का, क्योंकि 45,500 पुट राइटिंग तो है, पर यहाँ इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले, पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे ले सकती है सपोर्ट, पर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे तो 200 MA से ही कॉन्फिडेंस है, कि 200 MA पे कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, 200 MA तो 200 MA की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए घबराने की भी इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम निफ्टी पे, कि निफ्टी पे क्या सिनेरियो चल रहा है। अब निफ्टी की क्या सिचुएशन है? निफ्टी की ये सिचुएशन है कि 21,500 पे तो बड़ी सपोर्ट है ही, ठीक, 21,600 पे भी सपोर्ट है, 21,850 के आसपास एक सपोर्ट है। तो इम्पोर्टेंट है कि क्या 21,850 से निफ्टी सपोर्ट लेगी या नहीं। और अब ध्यान रहे कि सबसे ज़्यादा कॉल राइटर 22,200 पे तो है ही, 22,000 पे भी कॉल राइटर आ चुका है। अब ऐसे में होता क्या है, ऐसे में ये जरूर है कि जितना ज़्यादा कॉल राइटर आए, शॉर्ट कवरिंग भी बहुत अच्छी आती है, पर वो बातें अलग हैं। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। ऊपर के लेवल पे 22,000 से लेकर 22,050 का एरिया फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि हम फिर से नीचे आ चुके हैं। 21,866,880 सपोर्ट का काम करेंगे। ध्यान रखना, पिछली बार 21,874 से सपोर्ट ली थी, तो 874 ही सपोर्ट होनी चाहिए उसके आसपास। अगर ये टूटती है तो पेन क्रिएट होने का खतरा बन जाएगा, और अगर पेन क्रिएट होगी तो नीचे के लेवल खुल जाएंगे। फिर नीचे के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, 21,750,
एक तो 836 ही है, फिर 750, 714, 690 और 660. 660 से 700 एक बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट है, 10 वैमा एक भारी ज़बरदस्त स्पोर्ट है. यहाँ पे 21,650 आपको पता ही है, इस एरिया में अच्छी खासी स्पोर्ट है. और अगर यहाँ से स्पोर्ट लेती है तो 21,714, 746, 836 और 866 इम्पोर्टेंट लेवल काम करेंगे. नीचे अगर ये लेवल टूटता है, मान लो ये टूट जाती है स्पोर्ट, तो नेक्स्ट स्पोर्ट 21,540, 520 के आसपास है. अगर यहाँ से स्पोर्ट लेती है तो 21,630, 662 फिर इम्पोर्टेंट लेवल का काम करेंगे. ऊपर अब शॉर्ट कवरिंग कहाँ बनती है, ऊपर शॉर्ट कवरिंग सिर्फ और सिर्फ बनती है 22,150 के ऊपर ही. अगर निफ्टी 22,150 के ऊपर आती है और ऐसे ही ऐसे हालातों में जहाँ पर भारी सेलिंग हो चुकी हो, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी फिर बहुत बड़ी आती है. फिर सीधा ही 22,226, 273, 339, 389, 462 और 22,600 की ओर निकल जाएगी. पर ऐसी शॉर्ट कवरिंग अब देखते हैं कि न्यूज़ कैसे आती है, GDP डाटा कैसे आता है, सारा कुछ कैसे आता है, फिर उसके बाद ही मार्केट का तय होगा कि कहाँ क्या होता है. बाकी अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल चुकी है, तो थोड़ा सा अब संभल के रहिए और जो आपने लॉन्ग टर्म में ले रखा था वो आप अब अपना अपना थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करना शुरू कीजिए, ये मेरी सलाह. बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग बताना भूल गए, तो बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग भी आपको बता देते हैं. बैंक निफ्टी की जो नेक्स्ट शॉर्ट कवरिंग बनेगी वो बनेगी 46,532 के ऊपर. ध्यान रहे 46,532 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगी. फिर इंपॉर्टेंट लेवल होंगे 46,743, 830, 914 और 4773 और 47,727. तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा. अगर शॉर्ट कवरिंग भी आई तो ज़्यादा से ज़्यादा 47,250 तक की एक वो आपको लेवल ऊपर का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है. तो ये है पूरा सिनेरियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का. डिटेल में आपको कारण भी समझाया क्यों गिरी और आपको ये भी समझाया कि अब आगे क्या हो सकता है. ये मैंने आपको बताया कि एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आई है, तो कुछ ज़्यादा ही नीचे आई है, इतना नीचे नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए थोड़ा सा संभल जाइए. और ये नहीं है कि सारा प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, जिसमें सिप स्टार्ट कर रखी है पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए और फिर से सिप अपनी जारी रखिए उन स्टॉक्स के अंदर जिन स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म में बैठे हो. तो ये है पूरा कंप्लीट सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए. थैंक यू, धन्यवाद.